రంజాన్ పండుగ సందర్భంగా ఇఫ్తార్ విందు ఘనంగా జరిగింది. ఈ విందుకు మూదల్ ఎమ్మెల్యే గట్టిగారి విఠల్ రెడ్డి ఆయనతో పాటు మూదల్ ఎంపీడీఓ జెడ్పీటీసీలు తదితరులు పాల్గొన్నారు. నిర్మల్ జిల్లా కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ముస్లిం సోదరులకు ఇఫ్తార్ విందును నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి, పిసిసి అధ్యక్షులు జానా రెడ్డి, షబీర్ ఆలీ తదితరులు పాల్గొన్నారు. सीनियर लीडर और असेंबली में अपोजिशन लीडर जनरल निसार, पूरे देश में मुसलमानों में एक अहम स्थान होने वाला और हमारे तेलंगाना काउंसिल में लीडर अपोजिशन काउंसिल शबीर अली साहब मेरे दोस्त और यहाँ के एमएलए एक्सएमएलए आदिलाबाद डीसीसी प्रेसिडेंट महेश रेड्डी साहब, मेरे दोस्त बारगाव देशपांडे साहब, रामाराव पटेल साहब, एक्सएमएलए अरविंद रेड्डी साहब, दोस्त श्रीनिवास यादव जी और हैदराबाद से मेरे साथ आए हुए आनंद संतोष, आदिलाबाद जिले के माननीय अध्यक्ष साजिद भाई, हैदराबाद से मेरा सहायक प्रमोद रेड्डी साहब और यहाँ हुए सारे मुसलमान भाई। एक फकीर को 1000 रुपए की जरूरत है, उन्हें पूछता भाई मेरे को 1000 रुपए की जरूरत है, मेरे बच्चे बीमार है, आप 1000 रुपए देके जाओ मेरे को। उनके तरह रौब से बोलते तो साहब क्या करते, 1000 पूछो तो 10 रुपए लेके चले आते और आगे गए और फकीर साहब मिलके बोलते आए मेरे अल्लाह के बंदे मुझे 100 रुपए की जरूरत है, अल्लाह तुम्हारा भला करेगा, तुम्हारे औलाद का भला करेगा, मुझे 100 रुपए की मदद करके जाओ, वो अल्लाह उसका अजर देगा। उसका मांगने का अंदाज देख के उन्होंने 100 रुपए दे दिए। उनका दोस्त बोलता अरे यार ये क्या माजरा है, जिसको 1000 रुपए की जरूरत है तो 10 रुपए दिया और जो बोल रहा मेरे को 100 है तो 100 के 100 दे दिया। देख भाई वो 1000 रुपए जरूरत है, सवाल ऐसा मांगा मारने का जैसा मांगा जो देने देते तो मैं बोला कहीं को दे दो, उसने 10 दिया। अब इन्हें बेचारा कितनी मोहब्बत से आजीजी से मेरे बच्चों को दुआ के मांग के अल्लाह के वास्ता पूछा, इसीलिए मैंने उसने 100 पूछा, 100 दिया, 1000 पूछता 1000 भी देता था। तो देखो मांगने के अंदर भी अल्लाह से ऐसी मांगना है आपको, अल्लाह के खजाने खोल के बैठे हुए अल्लाह ताला रमजान में क्या आओ मांगो बंदे मुझसे क्या मांगते हैं, पहाड़ों के पहाड़े पड़े हुए हैं आप लोगों को देने के लिए। तो इस तरीके से ये दुआ मांगिए और साथ ही साथ आज निर्मल के अंदर हम देख रहे हैं कि हम मुसलमान चाहते हैं कि ये हुकूमत हमको 12% करे, कांग्रेस में हमने 5 करे, अदालत में हारने के बाद 4%, हमने 4% से आज 20,000 बच्चे डॉक्टर इंजीनियर एमबीए एमसीए बन के आए हैं बोलो तो ये 4% से। कल मैं फलक रूमा जा रहा था, एक एएसपी आके सल्यूट करके बोले साहब मैं 4% का एएसपी हूँ, तो उस दिन हमें इतनी खुशी होती। अभी हाल ही में तांडोर गया, सर्कल इंस्पेक्टर बोला साहब मैं एलआरडी का हूँ, मैं 4% रिजर्वेशन का सर्कल इंस्पेक्टर हूँ, तो हमको इतनी खुशी होती कि पुलिस से लेकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट, मगर आज 12% कहाँ है, 4 साल हो चुके हैं हम मुसलमानों को एक दिन की इफ्तार देकर हमारा रिजर्वेशन भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अल्लाह के वास्ता देख के उन कायदीन से कहता हूँ जो टीआरएस के हैं, अपने सीएम पे दबाव डालो और ये कहो कि मुसलमानों को इफ्तार की जरूरत नहीं है, खलम और रिजर्वेशन की जरूरत है, 12% रिजर्वेशन की जरूरत है, ताकि उनके जिंदगी के अंदर एक इंकलाब आए और वो बच्चे आज डॉक्टर इंजीनियर एमबीए एमसीए बने। इसीलिए आज भी दुआ भी आप लोग कीजिए
इस मुल्क के अंदर जो फिरौनियत चल रही है, जो मुल्क के अंदर मुसलमानों को दलितों को साथ जो नाइंसाफी हो रही है, उसके खिलाफ भी आप अल्लाह से दुआ कीजिए, क्योंकि वो गफूर रहीम है, वो उसके सिवाय पत्ता भी नहीं हल सकता। ऐसे कई फिरौन आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो तो आज दुआ में मुल्क के अंदर सालिमियत के लिए, मुल्क में अमन एकजहती के लिए, मुल्क को मुस्तैरा रखने के लिए वो एक ही ताकत है, वो कांग्रेस पार्टी है, उसके लिए भी दुआ कीजिए। इन अल्फाज के साथ मैं इमाम साहब को मुखातिब करता हूँ, दुआ कीजिए। कलीम मुफ्ती कलीम साहब से ख्वाहिश की जाती है कि वो आए और दुआ कीजिए, क्योंकि और तीन चार मिनट का वक्फा है और ऐसी दुआ होनी चाहिए। इस दुआ के अंदर अल्लाह हम सब के गुनाहों को हमको माफ करे, हमारी मफरत करे और रहमतों से हमें मालामाल करे और रमजान के पूरे बरकतों से हम मालामाल। సెరెనిటీ మోడల్ హై స్కూల్ విద్యార్థులకు అమ్మఒడి, సామాన్యులకు అందుబాటులో ఉన్న బడి సెరెనిటీ. మా ప్రత్యేకతలు ప్రతి విద్యార్థి పట్ల వ్యక్తిగత శ్రద్ధ, యాక్టివిటీ బేస్డ్ లెర్నింగ్ అండ్ డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్. ప్లీజ్ విజిట్ సెరెనిటీ మోడల్ హై స్కూల్ నాకారం. అడ్మిషన్స్ ఆర్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. కాల్ 0402714689 అండ్ 0402714869.